मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में, महंगाई 7% है, करीब करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है, हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं।